कमलनाथ के निवास पर बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें ये सभी लोग शामिल होंगे, और ये माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। तो कांग्रेस अपनी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो इतनी जल्दी जारी नहीं कर पा रही है, और इसीलिए कांग्रेस से उम्मीदें भी हैं कि कब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। आज कमलनाथ के निवास पर जो बैठक चल रही थी जिसमें केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला समेत कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सब मौजूद थे, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो वहीं सभी अब दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है, और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज कमलनाथ के निवास पर एक बड़ी बैठक हुई, बैठक खत्म हो चुकी है और सभी जो बैठक में शामिल थे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, क्या कुछ उम्मीदें इस बैठक के बाद हैं, और क्या ये मान सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक दिल्ली में होनी है उसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की एक्सरसाइज की जा रही है उससे ये संभावना यही है कि बहुत जल्द ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। खासतौर से लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही थी कि 66 सीटें जो लगातार हारते जा रहे हैं उन पे सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करें। इसको लेकर हमने देखा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट के आधार पर, ICC के सर्वे के आधार पर क्रॉस चेक कर लिया गया, और लगभग अभी तय हो गया कि 66 सीटों पर सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करेगी। तो उसी के साथ ही खासतौर से 95 मौजूदा कांग्रेस के विधायक है, उनमें से माना जा रहा है कि 30 से 40 विधायकों के टिकट संशय में है या दो नामों के पैनल, लेकिन 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर लगभग सेफ सीट है और उन पर लगातार प्रत्याशी घोषित कर सकती है। तो माना जा रहा है कि 100 सीटों पर करीब कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। शाम को 6 बजे दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है, कमलनाथ, सुरजेवाला या केसी वेणुगोपाल दिल्ली रवाना हो चुके हैं, शाम को बैठक होगी और स्क्रीनिंग कमेटी में तय किया जाएगा कि किन नामों पर मोहर लगनी है, खासतौर से पहली सूची में कितने नाम रखे जाने हैं। तो बहुत जल्द जो लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी, माना जा रहा है कि उसके परिणाम भी अब देखने को मिलेंगे, और शाम को समीक्षा बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसके बाद जल्द ही कांग्रेस की पहली सूची भी जारी हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो अब बैठक होनी है, और ये जो भोपाल में बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। अब दिल्ली की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस के पिटारे में क्या है, कौन से वो नाम हैं जिनको सबसे पहले, जिनकी लिस्ट जारी की जाएगी। इसको लेकर के भी लोग अभी उम्मीद लगाए हैं कि शायद आज की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और दिल्ली की जो बैठक होगी उस बैठक के बाद क्या लिस्ट सामने आ पाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी ने और संगठन के महामंत्री श्री वेणुगोपाल जी ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, और वे चुनाव के नतीजे आने तक वे उन क्षेत्र में हमारे AICC, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और निचले स्तर तक जो संगठन है उसके साथ काम करेंगे। आज पूरे देश प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है, सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, और अब